चुनाव है और गजेंद्र सिंह जी खीम सारा चुनाव है और धनंजय सिंह खीम सारा चुनाव है।
और मैं तो क्या हूँ आपने एक नंबर मरते हैं नारायण जी, एक नंबर मरते हैं रात में बैलेट में, और मशीन इतनी दबाई तो एक नंबर का बटन इतना दबाई दो कि मशीन खराब हो जाए, तीन चार हो जाए, ठीक है। तो आप आज क्वेश्चन दे रहे होंगे कि नंबर नहीं हूँ, ज्यादा हूँ ज्यादा लीड मिलेगा, बहुत बढ़िया। महाराज सब हाथे मिलन, राष्ट्र के हित में काम कराना, सब हाथे मिलन, पूरा प्रयास कराना कि दूसरे विधानसभा क्षेत्र विकास हो। और मैं अपने आप को यही कहना चाहूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठबंधन और हमारे चालन वालों है, जय भारत जय राजस्थान। भगवानी गाँव की पावन धरा माता है, मध्य तेरा जोड़ा एम जी साहब, धर्मेंद्र सिंह जी, कृष्ण जी, सदाराम जी, कुकरा जी और सम्मानित मंच, और आसपास और बड़ा बड़ा हमारा पिता तो मुजर्जन नौजवान साथियों प्यारे बच्चों, सब पहले तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद आगे की कह रहे हूँ, आपको आभार, आप लोग जो हम आपको मान सम्मान करे हो, दो हजार तीन हो सब पहली हनुमान जी चुनाव लड़ियो, और उसी के बाद 2008 में सूत्र विधानसभा को पहले चुनाव भारतीय जनता पार्टी में लड़ी, लेकिन ये आज का 11 साल बाद आप लोग हनुमान जी के साथ लिया, हर विकेट परिस्थिति में साथ लिया, चाहे रैलियां हुए थे कोई भी कार्यक्रम, आप तरह पंचायत हूँ और विशेषकर धन्यवाद हूँ आप बहुत लोग प्यार प्रेम आशीर्वाद हूँ, हमें तो साथ चलिए। मैं आप लोगों को इक्कीस तारीख को जो चुनाव है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तरफ हूँ, मैंने प्रत्याशी बनाई और आपके सामने वोट मांगने की अपील कर रहा हूँ, मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको आज अगस्त हो 21 तारीख का ज्यादा से ज्यादा वोट दें और मैंने आशीर्वाद दे जो और मैं अपील करूँ, और आप जो वो साफ कह रहे हो वो मान सम्मान में राजस्थान में और ऊंचो उठाऊँ वो मैं आपको बहुत लेट हो गया, तो आज यही बात क्षमा प्रार्थी हैं, और एक बार फिर से मैं अपील करूँ कि दूसरों का चुनाव चिन्ह के बाद 21 तारीख का ज्यादा से ज्यादा वोट दें और आप मन आशीर्वाद दे रहे हो, धन्यवाद। सभी गाँव के बुजुर्गो और युवा साथियों, 21 तारीख को वोट देने आप सभी को जनजनों ने भी आप लोगों को कहा है कि ज्यादा से ज्यादा ईवीएम मशीन है जो बोतल का बटन है उससे ज्यादा से ज्यादा मत देकर नारंगी को यहाँ से बारी मटर से जीतना है, ये मैं आपसे अपील करना है। और विशेष करके मेरे समाज के मेम्बर और नायक समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट देने को विजय बनाए ताकि हमेशा आपके संघर्ष में साथ रहेंगे, आपके विकास की बात करेंगे। आप लोगों ने हमारा मान सम्मान किया, ज्यादा से ज्यादा वोट देना आप लोगों को। सर मैं हमेशा दिल्ली समाज से राजस्थान में पहली अत्याचार हुआ तो पहली बार सर मैं हमेशा दिल्ली समाज के साथ रहकर संघर्ष किया, उनको न्याय दिया, इसलिए आप सभी से पुनर्निवेदन आप ज्यादा से ज्यादा वोट देने के प्रत्याशी भाई नारायण जी बहन साहब को देखते विजय बना, जय हिंद जय भारत। बाड़मेर से हमारे आरोप के जो प्रत्याशी थे सताराम जी देवल जी 20,000 वोट लिया भारत थे शिवाना, तो ये संबोधित करेंगे सताराम जी देवल जी समाज के नेता है बाड़मेर के और वोट मांग रहे हैं। राम राम साहब, अरे टैम पणगूड आप ही खाया उड़ा नहीं खाता उड़ा हवा से जो और तो आपको ये चीज अपील करवा आया हूँ कि माँ भाग्रो युद्ध है और युद्ध है 21 तारीख को युद्ध करो है वोटों में युद्ध 21 तारीख का वोट करें माते वोट देवा में देखो मैं किसी की आप देख नहीं पते हैं राम भट्ट जो भी कहता है राज है ना लाभ कर रही है एक सर धन्यवाद हम बोलिए 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 हम बोलिए
નંદવાડી કે સાહેબ આગીતા પાનો તો સિંધોડા જેકર લગા જો બોલે પુજાજી મહારાજ જય 30,000 કરોડ દેવી દેવતાઓ કી જય ઓગી ઓગી અગલી ઉગી બાડી સબ આઈ ઓગી બાડી ઓગી ઓગી બોલો બોલો સબ આઈ અરે હા હા લાર કોઈ બોલંતે તેજીર લાર કોઈ બોલ કરજી સિંહજી તેજીર મહારાજ કી જય હો સબાજી મહારાજ કી જય હો રામચા પીર કી જય હો બાબુજી મહારાજ કી જય હો સાસા ગણેશજી મહારાજ કી ગણેશ જય હો રામ ગણેશ ભારતીય જનતા પાર્ટી કે યુવા નેતા ધનંજય સિંહજી ગોપાલ છોટે ભાઈ આપણે પ્રત્યાશી નારાયણ બેનીવાલ અમારે ડોક્ટર સુરેશ વિશ્વજી કોલેજ છે જો આરેશ વિશ્વરાવ લડે સતારામજી દેવાસી ગણપતિ દુડી પૂર્વ સરપંચ સાહેબ ઓર સમાહિત મંચ બોલ દઉં આપણે અમે સમાહિત મંચ તો બનમાં નામ લેવો પડે સરપંચ પ્રત્યાશી બનમારા બુઝુર્ગો નોજવાન સાથીઓ ત્યારે ભક્તો બહુ ચિંતો નોજવાની કે મુજબ બધા કે આપ હમેશા મુજબ રાખનામ કામ દે એ તો જો મુજબ પીડા હૈ ઉસકા કારણ બતા દો રાજસ્થાન કે અંદર સ્કૂલે ટર્મોન હોઈ નહીં પિછલે 5 સાલ કે અંદર એટલે સ્કૂલ નહીં બના અબ આપકા જબ ભી સ્કૂલ ટર્મોન કી કરી ખુશી આયેગી ઉસમે નદવાણી ગાંવ સચ્ચી સ્કૂલ મેં ટર્મોનટ હો જાયેગા પિછલે 11 સાલ કે અંદર આપને હમેશા 3 બાર રાજસ્થાન કી વિધાનસભા કે અંદર 2 બાર આપણે લોકસભા કે વોટ દીએ 2 બાર લોકસભા કે અંદર ભેજા હમેશા કઈ કોઈ કામ આપને હનુમાન મેડિયા કો મેરે પરિવાર કો હમેશા મદદ કી ચાહે ઉતાર ભાઈ ઉતાર ભાઈ મુદવાણી ગાંવ છે દિનપુરા પંચાયત છે હમેશા આપને પૂરા સહયોગ આશીર્વાદ દિયા જબ ભી હમને કહેતે થે યહાં પે પ્રોપગ્રા ચાલક હમારે કિસાન પ્રતિક ખોમ કે મજબૂતી દેને કે નાગોર સે લેકે બાડમેર ફિકર ફિકરને ફોકસ તો ગયે થે ઓર મુજે અચ્છી તરહ યાદ હે મેરી પાર્ટી કા ગઠન હુઆ થા તો નંબરવાણી ગાંવ થી નઈ પાર્ટી કી ગઠનતા શાંતિ બના થા રાજસ્થાન ધનંજય સિંહજી આપણે બતા જેતર મોદીજી કા 4 મહિને કા દેશ કા કાર્યકાલ હૈ દૂસરા કાર્યકાલ ઓર એક તરફ 11 મહિને કા અશોક ગેહલોત કા વો શાસન હૈ જિસમે કાનૂન વ્યવસ્થા કા ચીર રહા હુઆ આમ આદમી સુરક્ષિત રહી હૈ બેરોજગારો કો રોજગાર નહીં મિલ રહા હૈ ઓર ભુગતાન કરને કે લીએ સરકાર કે પાસ એક પૈસા ભી નહીં હૈ લોકસભા કા દરવાજા ઉઠાને વાલે और सरपंचों को भुगतान का पैसा दिल्ली की सरकार ने दिया और अब जाके सरपंचों का भुगतान हुआ भाइयों खजाना खाली है राजस्थान की सरकार का और सरकार पूरी पूरी झूठ आई महाराज का मंत्री घूम रहे 50 MLA घूम रहे तो अगर सरकार करना है तो साथ बुला देना और उनको कहना कि वोट तो हम वही देंगे जो हमारा मान सम्मान बढ़ाता है તો 2003 કે અંદર વિદા કિયા થા યહાં સે
और उसके बाद 3-8-13 के अंदर जब जब लड़े वो वापस नहीं आते थे, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते थे, और 13 में तो हम साथ ही रहे थे, उनका चिन्ह भी मैंने ही अनुमानी का दोनों का हारा था, तो सेव किया कांग्रेस की जो टिकट कटी, लेकिन सेवा समर्पण नहीं किया। अगर वो लोग ये नागौर के अंदर करते तो इंदिरा गांधी ने अगर सोचा कि पानी नागौर की धरती पर आता या कि किसान के बेटे बचे, जर्मनी इंग्लैंड अमरीका के अंदर पड़ते, किसानों की हालत ठीक हो जाती, लेकिन उनकी सोच का दिवाड़ा निकल गया था और अशोक गहलोत की पूरी बन गई। आपको नहीं चाहे मैं मुझे अशोक गहलोत एक बार कह रहे थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, राजनीतिक बात। अशोक गहलोत ने कहा कि जब परशुराम जी मदेरणा को मुख्यमंत्री बना थे मैंने नहीं रोका, गहलोत ने कहा मुझे, या आपके चाटों के 4-5 MLA मेरे पास आए और हरिंद्र सिंह का साथ आया, मुझे हम नहीं समझे थे हम करना। हरिंदर ने आके बोला कि साहब आप मुख्यमंत्री बनो, अगर मदेरणा साहब बने तो मैं मंत्री नहीं बनूंगा, उसी तरह जवाई दोनों नहीं बन सकते, आप बढ़ोगे तो मैं मंत्री बन जाऊंगा, तो ऐसे हरिंदर बेटा समझ गया आप कि मुख्यमंत्री बनने का जिसका चांस आया मंत्री के अंदर जाके समझौता कर लिया। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जैसे मंत्री बनो पर ठोकर मारी प्रदेश के अंदर 5 बार और कहा कि मैं छत्री बन के मेरे भाइयों की जब तक सेवा करूंगा तब तक सत्ता के अंदर आपको भागीदारी नहीं मिल जाती, और भाइयों किसी का परिणाम क्या रात की 12 बजे भी आप इंतजार कर रहे हो, 2 बजे भी इंतजार करते हो, नागौर के लोग इंतजार नहीं करते रात को, पथराव जरूर करते रात को, इंतजार हनुमान बेनीवाल आज की बीजेपी गठबंधन का मैंने देखा गोधन के अंदर कितनी अच्छी सभा हो, रात ने 11 बजे को हुआ मीटिंग में गोधन में बढ़िया एकदम आसान से अच्छी मीटिंग और जोरदार मन बढ़ गया कि हनुमान जी RLP बीजेपी गठबंधन को वोट देना है, लोकसभा में देना और भारी वोट हम जिताएंगे। तो मैं धनंजय जी को धन्यवाद दूंगा रात की 11 बजे हमारे साथ 12 बजे कार्यक्रम कर रहे हैं, और ये सही है कि अगर जीत होगी अरे हम सबको जाएगा और कम वोटर जीतेंगे तो भी जाएगा, और हार होगी तो सबकी बदनामी होगी पूरे क्षेत्र की और मोदी जी के सामने मेरा भी कद नीचा हो जाएगा। हमने जो प्रधानमंत्री जी ने RLP को सपोर्ट किया यहाँ पे बाकी जगह बीजेपी ने सही परिवार के लोगों को टिकट नहीं दिया, यहाँ दे दिया जो हनुमान जी चाहे क्षेत्र की दर्शक चाहे अगर परिवार से लड़ना चाहे तो उनको छूट है। तो भाई इतना बड़ा भरोसा प्रधानमंत्री जी अगर हमारे ऊपर दिया कुछ भरोसों को तोड़ना नहीं है, ये जो सड़कों पे ठंडे पड़े मैं भी लाया हूँ, मैं तो बीजेपी का मंत्री छोड़ा ही था, इतना जो मंत्री था उसे भी मैंने झगड़ा चला था, हाईकोर्ट से सड़कें बढ़ाई, लेकिन मैं ये चाहता हूँ नजमाने में कुछ सड़कें बढ़ा, अभी इस रोड से लेके आए हो इस रोड से आने के बाद तो मन करता है पड़ जाए जाके सो जाए।